अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब चैनल रिजा व्लॉग्स पे आप सब प्यारे बहन भाई को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम देखते हैं कि माइक कैसे बनता है। जब मोबाइल की आवाज़ आगे जाती है तो उसी चीज़ को माइक कहते हैं। चलें आप देखते हैं कि वो कैसे डलता है और वो क्या चीज़ है, आपको दिखाते हैं। बाज़ात आगे आवाज़ कम जाए या बिल्कुल ना जाए तो माइक का प्रॉब्लम होता है। तो आपको बताते हैं कि माइक लगता कैसे है और होता कैसे है। तो ये क्यों मोबाइल है, QE100 म्यूज़िक है, ठीक है। इनका साउंड भी बहुत अच्छा होता है और बैटरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी होती है। वॉइस क्वालिटी में बहुत अच्छा है ये। तो फ़िलहाल तो हमारे पास रिपेयर होने आया है, इसको पेच भी बहुत सारे लगे हुए हैं। हर बार 6 पेचों पे ना भूला करें, बाद का ज़्यादा भी होते हैं। बिस्मिल्लाह। क्या है यार, क्यों नहीं निकल रहा है ये? तो इसे ट्यूज़र की मदद से निकाल लेना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि इसका कोई पॉइंट तो नहीं टूटा हुआ, कोई टांग वगैरह तो नहीं टूटा हुआ। देखिए अगर ये बिल्कुल ठीक है तो समझ लें कि माइक ही ख़राब है, ठीक है। ये अब बिल्कुल ठीक है, ये माइक ख़ुद ख़राब है। बाज़ ये पसीने की वजह से ख़राब हो जाते हैं या फिर इनकी खुट्टी पड़ी तो ख़राब हो जाते हैं। तो लीजिए इसके पॉइंट भी उल्टे लगे हुए थे, तो अब हम लगाएंगे इंशाल्लाह सीधी तरह से, क्योंकि रेड की जगह पे ब्लैक लगा तो ब्लैक की जगह पे रेड। तो आइए हम माइक उठाते हैं। माइक कैसा होता है, ये माइक होता है देखिए जो हमने अभी उतारा है, ठीक है। ये लीजिए, इसकी रेड तार इस साइड पे आएगी सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है। प्लस का एक छोटा सा निशान होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर शायद आपको नज़र ना आ रहा, बहुत छोटा होता है तो इसलिए ये प्लस के निशान को देखना चाहिए। जब उल्टी और सीधी तार होगी तो प्रॉब्लम करेगा, आवाज़ सही नहीं जाएगी, शोर करेगी। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि ये चीज़ आप एहतियात से लगाया करें। लीजिए ये माइक लग गया, इतनी सी बात है। कोशिश क्या करें, हमारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, तो इससे इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मज़ीद हम आपको ये चेक करवा के बताते हैं कि ये कैसे चेक होता है। लगा तो हमने लिया है लेकिन आप सोच रहे होंगे चेक तो करवाया नहीं है। आपको मैंने इतनी बार बोला, जब भी कोई सेल खोला करें तो उसे साफ लाजमी किया करें, क्योंकि ये बार बार नहीं खोले जाते, ठीक है। इसकी LCD को अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि डिस्प्ले अच्छा नज़र आए, ठीक है। इसे अब हम बंद करते हैं, इसके बाद इसे चेक करते हैं। क्या एक ही स्पीकर लगा हुआ है? नहीं, बिस्मिल्लाह। माइक दो तक ही चढ़ जाएंगे, उनका अपना कवर होता लगा बंदा, वो तो पुराने माइक था ना। बिस्मिल्लाह, जी हम इसे फिट करते हैं फिर हम आपको चेक करवाते हैं। मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड बहुत का, इसको रिकॉर्डिंग करें तो भी पता चल जाता है। अगर रिकॉर्डिंग सही हो तो समझ लो माइक ठीक है, लेकिन ये 100% सही होता है जो ब्लू कलर में होता है, तो इसमें ख़राब बहुत ही कम आते हैं। फिर भी चेक कर लेना चाहिए क्योंकि अच्छी बात है, बाज़ात ना ख़राब ही निकलाते हैं तो फिर सेल दोबारा खोलना पड़ता है। तो इससे बार बार खोलने से ना मोबाइल की जो पेचों की साखटियाँ होती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश क्या करके इसे ना अच्छी तरह चेक करके ही बंद किया करें। फ़िलहाल हमारे पास अभी कोई मेमोरी कार्ड नहीं है जो हम डाल के चेक करें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह सही होगा। तो फ़िलहाल आपको हमने ये बताया कि माइक लगता कैसे है और माइक होता कौन सा है, ठीक है। इसे हम फिक्स कर लेते हैं, फ़िक्स करने के बाद इसे ऑन करते हैं, ऑन करके भी दिखाते हैं आपको। जिस पेज के बहुत सारे जिस सेल के पेज हो ना उन्हें खोलते हुए एलर्जी होती है, दिल ही नहीं करता वो सेल खोलने को, लेकिन सेफ्टी के लिए अच्छे होते हैं ये। लीजिए इसके पेज पूरे हो गए, वो स्पेयर पड़े थे। तो आइए इसे अब ऑन करते हैं, चेक करते हैं।
क्यू में जाके इसकी रिकॉर्डिंग ढूंढते हैं। ऑटो का रिकॉर्डिंग है ये, तो इसकी रिकॉर्डिंग गेम्स है। बरल ना, ये तो म्यूजिक है। कॉल 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 नंबर क्या मिल जाए, दूसरा कोई है ना मोबाइल है ना जरूरत है। एक मिनट हम नंबर मिला रहे हैं, तो फिर फिलहाल सॉरी मोबाइल दिखा नहीं सकते। नंबर मिला कर दें जी, मिलाओ ओपन करके चेक करो जाए ना दिखाओ। अब हम ट्राई करते हैं कि इसकी वॉइस कैसी है, सही है या नहीं। बंद है यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, एक मिनट चेक करते हैं दोबारा से। चलें ठीक है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसा ओके होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।